अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग, और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी शॉपिंग और आपको मैंने कल अपना एक कुर्ता दिखाया था। तो आज मुझे जाना है और मुझे यही ड्रेस पहन के जाना है कहीं पर। तो अभी क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा सिलवटें नहीं थी तो सिर्फ आगे हल्की पुल्की सी थी, तो मुझे था कि मैं इसे स्टीमर से दूर कर लेती हूँ। और कुछ लोगों ने कहा था कि प्लीज़ इसका रिव्यू दे दें, तो स्टीमर के बारे में मुझे ये कहना था कि इट इज़ समथिंग जो कि आप हैंगिंग हुए हुए कपड़ों पे, जो आपकी वार्डरोब में या लटक रहे हुए होते हैं कपड़े और उस पर सिलवटें आ जाती हैं, तो ये उनकी सिलवटें दूर कर सकता है। बाकी ये है कि ये सोचना कि ये प्रॉपर आयरनिंग करेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। तो आपके कपड़े जैसे धोबी से होके आ जाते हैं और इस्त्री होके लटके हुए अंदर अलमारी में और उस पे लाइंस आ गई हैं, तो ये उन्हें दूर करेगा। ये फैंसी कपड़े जो होते हैं उनके ऊपर आप इस्त्री नहीं फेर सकते, तो आप स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे अब ये ट्राउज़र है, ये मैं उस पर इस्त्री नहीं कर सकती थी, तो मैं इसलिए ब्लैक कलर की ट्राउज़र्स की से पहन रही हूँ, तो इसे मैं नॉर्मल जो आयरन होती है उससे इस्त्री कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको नम कर रही हूँ, मीन्स नम होता है मीन्स नमी, थोड़ा पानी लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसको इस्त्री कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोचूँ कि मैं ये वाली ट्राउज़र बेल बॉटम है ये मेरी, इसे मैं करूँगी इस्त्री उस पर स्टीमर पे, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा जैसे ये कर रहा है इस्त्री। तो ये है कि स्टीमर यू कैन यूज़, बट वो कपड़ों के लिए जिनमें हल्की लाइंस आ जाती हैं, ये इमरजेंसी है, लटकी हुई है थोड़ी सी ख़राब हो गई तो आपने ठीक कर दी। तो खैर ये मैं रात को ये कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो मैं अपने बालों को मैंने आयरनिंग करनी थी रात को। मैं मोस्टली जब मैं कहीं जाती हूँ मैं अपने शावर या हेयर वॉश जो है वो रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे मेरे बाल सूखते नहीं हैं और मैं कहीं जाने से पहले जो है अपने बाल जो है वो, जब तक मेरे बाल बने ना हो मुझे जो है ना कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। आई बिलीव कि आपके बाल अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप ओवरऑल अच्छे लगते हैं। तो खैर जब मैंने अपने बालों की स्ट्रेटनिंग कर ली तो अब मैं मेकअप करने लगूंगी। तो मेकअप करने से पहले आई वॉश माई फेस विद माई टी ट्री फेस वॉश, और उसके बाद आई प्रिपेयर माई स्किन। आई डू माई डे टाइम रूटीन एवरी डे। मैं अपनी डे टाइम की रूटीन डेली करती हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं रूट ऑफ स्ट्रेंथ का जो है लोशन यूज़ करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं जो है ब्यूटी वाटर यूज़ करती हूँ, दैट इज़ लाइक अ टोनर जो दिन के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं यूज़ करूँगी क्योंकि डे टाइम है, तो इसमें SPF 15 है, ड्रॉप ऑफ यूथ का है, और SPF 15 मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं जो है वो डे टाइम में मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे फेस पे जो है वो एक लगा हुआ हो सनस्क्रीन। उसके बाद मॉइस्चराइज करूँगी मैं अपना फेस सिरम से। ये सिरम इट विल गिव अ वेरी नाइस लुक टू यू एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, और इसके अलावा ये है कि इट इज़ टू गुड। आपको मैं आगे बताऊँगी कि मैं इसे और किस तरह यूज़ करती हूँ। और जब सिरम यूज़ कर लेती हूँ तो फिर मैं अपना डे क्रीम यूज़ करती हूँ। दिस इज़ नॉर्मल माय डे रूटीन। इंशाल्लाह मैं डिटेल में किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी, जो कि मेरे वो व्यूअर्स हैं जो मेरे दूसरे चैनल पे नहीं है तो उनको मैं बताऊँगी। खैर दिस इज़ द लिप गार्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं मॉइस्चराइज करती हूँ अपने लिप्स को, और ये जो है मेरा हैंड क्रीम है जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम बॉडी शॉप। The thing is, I mostly use Body Shop because it is one of my favorite brand and I think I have almost everything of the Body Shop. तो ये लगा लेने के बाद जब मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया था तो मैं हमेशा अपने बालों पे ये ड्राई ऑयल लगाती हूँ फ्रॉम द बॉडी शॉप। ये शिया ऑयल है और इसके साथ मैं ये सिरम लगाऊंगी लॉरियल का। तो ये दोनों को मिक्स करके मैं अपने बालों पे लगाती हूँ। इट गिव्स अ वेरी ग्लॉसी एंड शाइनी लुक टू माई हेयर। ये मेरा नॉर्मल रूटीन है जो कि मैं ज़रूर करती हूँ वेन एवर आई एम गोइंग समवेयर, तो ये ज़रूर मैं अपने बालों पे लगाती हूँ। इसका इंशाल्लाह ताला मैं अपने दूसरे चैनल पे विच इज़ माय कन्फेटीज, उस पर मैं ज़रूर रिव्यू दूंगी। तो ये मेरा फाउंडेशन है, ये बॉडी शॉप का मैट क्ले फाउंडेशन है। ये मैं आजकल लगा रही हूँ बिकॉज इट्स हॉट डे टाइम्स में जब मैं जाती हूँ तो हॉट होता है, तो मैं ये लगाती ज़रूर हूँ। और फिर ये एक बात ये है कि इसमें मैं सिरम थोड़ा सा डाल देती हूँ तो इक्वली ब्लेंड हो जाता है।
खैर अभी फंक्शन से वापसी पे मैं आ रही हूँ एंड मैंने यही ड्रेस पहना हुआ है जस्ट जो कि मैंने कल लिया था. इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय हस्बैंड साइड एंड इट वाज वेरी हॉट. बट ये कि ये मींस बाहर गर्मी थी बट लेकिन ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी मुझे. काफ़ी लोगों ने कहा कि इट लुक्स नाइस. और ये जो है वो मेरी जो है फुटवेयर है जो कि मैंने साथ पहने हुए थे इसके. खैर जब मैं घर आई तो फिर मैंने अपने घर के काम वगैरह किए, मीन्स जो डब्बे शब्बे खाली थे. कॉफ़ी में काफ़ी दिनों से ख़त्म हुई हुई थी. आई वॉज लाइक कि मैं इसे इसमें शामिल कर देती हूँ तो अपने इस मेन कंटेनर में डालूँ तो बेहतर है कि मैं इसी में डाल दूँ. तो ये है कि कॉफ़ी वगैरह मैं इसमें डालती हूँ तो मैं इस मेन जो इसका जार है उसमें से निकाल लेती हूँ. तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तलाल मेरे साथ है और वो जो है वो यू नो ही इज़ इन फन मूड. खैर जब मैं वापस आई ये थोड़े बहुत काम कर लेने के बाद आई वॉज सो स्लीपी एंड टायर्ड सो मैं सो गई. सो के जब मैं उठी तो मेरे बेटे ने कंबाइंड स्टडी करनी थी बिकॉज ही इज़ हैविंग हिज असेसमेंट्स. तो कंबाइंड स्टडी के लिए जो है वो उसका एक फ्रेंड आना था तो मुझे था कि चलो मैं उनके लिए थोड़े से जो है स्नैकिंग स्नैक्स तैयार कर लेती हूँ. तो मैंने जो है वो पकोड़े पकोड़े सॉरी कह रही हूँ मैंने समोसे जो है वो फ्राई किए फॉर माई के माई सन एंड फॉर एवरी वन. और उसके बाद जब मैं ये समोसे फ्राई कर चुकी पड़े हुए थे तो शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ. तो समोसे जो हैं ये क्योंकि फ्रोज़न होते हैं तो मैं हमेशा ठंडे ऑयल में डाल देती हूँ और हल्की आँच पर पहले इसको रखती हूँ ताकि ये जो है ना साथ के साथ ही डिफ्रॉस्ट भी हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे फ्राई भी हो जाते हैं. तो दूसरे पैन में जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें मैंने शामी कबाब फ्राई करने थे. इस दफ़ा मुझे लगता है कि मैंने शामी कबाब में जो है ना वो अंडा कम डाला है क्योंकि जब मैं शामी कबाब फ्राई करने लगती हूँ तो शामी कबाब जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं. तो अभी मुझे ऊपर से अंडा लगाना पड़ रहा है. मुझे एक्चुअली ऊपर से अंडा बिल्कुल नहीं पसंद शामी कबाब में लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि अभी ये फ्रोज़न है और नेक्स्ट टाइम फिर आई विल बी वेरी केयरफुल. क्योंकि मैं एक फ्राई कर लेती थी जब भी मैं शामी कबाब का मसाला बनाती हूँ तो मैं एक फ्राई करके देखती हूँ कि खुल तो नहीं रहा. उस दिन क्योंकि रमज़ान सॉरी ईद से पहले की थी तो मुझे जाना था शॉपिंग करने और मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेती. तो ये शामी कबाब है और उसके ऊपर जो है वो मैंने अंडा लगा के फ्राई किया है और बन तो ठीक गए थे. वैसे वो अंडा बाहर निकला हुआ नहीं था बट मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद कि शामी कबाब के ऊपर अंडा बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आए. तो खैर ये शामी कबाब थे और पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ही वांटेड टू ईट पकोड़े सो ही सेड कि मैं ना ले आता हूँ पकोड़े बाहर. यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक सिनेमा है वहाँ से बाहर बहुत मज़े के पकोड़े मिलते हैं. और फिर मैंने कहा कि नहीं मैं समोसे फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैंने उनको मना भी किया लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उनके को जो है पकोड़े खाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था. ही सेड कि नहीं मैं तो ले आया हूँ पकोड़े. तो खैर वो पकोड़े भी ले आए थे तो ये स्नैक्स जो हैं वो बच्चों के रेडी हो गए थे बिकॉज मुझे था कि पढ़ते हुए ना बच्चों को खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि पढ़ते हुए मुझे होता है कि खाते पीते रहेंगे तो इनका इंटरेस्ट डिवेलप ही रहता है पढ़ाई में. तो ये जो है मैं साथ समोसे जब फ्राई हो गए और ये हो गए मेरे बच्चे जो है ना दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ चाय. तो चाय फिर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाई और उनके लिए मैंने ड्रिंक्स सर्व कर दी थी कोल्ड ड्रिंक्स. और ये जो है समोसे जो है वो निकल आए हैं और इसमें क्रैक्स आ गई थी पता नहीं क्यों. आई थिंक फ्रोजन थे. काफ़ी अरसा तो नहीं मेरे घर तो समोसे बचते ही नहीं है. समोसे आते हैं बनते हैं और फिर उसके बाद ये लाइक कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं. तो पता नहीं क्यों इसमें क्रैक आ गई थी. शायद इसकी जो आटा है जो गूंदा गया था डो उसमें थोड़ा सा किसी चीज़ की कमी होगी जो इसमें क्रैक्स आ गई. तो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे बच्चे चाय नहीं पीते और जो बच्चा साथ में आ रहा था उसने जो कंबाइंड स्टडी के लिए आ रहा था मुझे था कि वो चाय पिएगा बट ही वॉज ऑल्सो नॉट फॉन्ड ऑफ टी. तो ये चाय मैं बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि ये इवनिंग टाइम था. मैंने आपको बताया कि मैं सो के उठी थी तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ. यू नो समटाइम्स आपका चाहे मैं जितने भी कॉफ़ी वाला पर्सन हो जाऊँ लेकिन मेरा चाय से जो है ना वो दिल नहीं मीन्स समटाइम्स मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं चाय पीऊँ. और स्पेशली इवनिंग जो टाइम होता है ना जैसे 5-6 बजे का टाइम होता है उसमें आपका बड़ा दिल चाहता है कि आप चाय पियो. तो खैर ये देख रहे हैं मेरे हस्बैंड जो है वो पकोड़े भी साथ उठा के ले आए थे कि जी ये पकोड़े नहीं मैंने खाने हैं पकोड़े.
तो कुछ पकोड़े जो थे वो मैंने बच्चों के लिए भिजवा दिए जो आए हुए थे, आया हुआ था बच्चा एक, और कुछ जो थे ये थोड़े से बच गए थे, तो मुझे था कि चलो हम लोग खा लेंगे ये वाले पकोड़े। तो उनके लिए मैंने जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स सर्व की और उनकी ट्रे बनाई, और हाफ जो है वो स्टफ मैंने उनके पास भेज दिया, और हाफ जो है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने, वी वर लाइक वी विल ईट दिस। लेकिन मैंने एक शामी कबाब के अलावा और एक आलू के पकोड़े के अलावा कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे समोसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। पता नहीं शायद मेरे घर में हर एक इतने शौक से समोसे खाता है, मुझे बिल्कुल समोसे नहीं पसंद। बहुत रेयर होता है मैं अगर चना चाट के ऊपर एक आज समोसा डाल के खा लूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी समोसे इतने नहीं पसंद। तो खैर ये जो है वो उनकी ट्रे मैंने रेडी कर ली कि बच्चे जो हैं वो अपनी जो है वो कंबाइंड स्टडी करते हुए जो है वो स्नैकिंग करते रहें, क्योंकि वरना फिर वो जो स्टडीज़ होती है मुझे पता है कि बड़ी बोरिंग हो जाती है, तो स्नैकिंग होती रहे बीच में तो इट्स गुड। इवन मेरे हस्बैंड जब कभी उनके लाइक कुछ होता था या पढ़ रहे होते थे, तो मेरी मैं ट्राई करती थी कि मैं कोई ना कोई मीन्स उनके पास टेबल पे कोई स्नैक ज़रूर रख दूँ, मीन्स वो खाते रहें आते जाते। तो वही होता है कि वो पढ़ाई फिर इतनी बोरिंग नहीं लगती। तो ये जो है चाय मैं डाल रही हूँ, और चाय जो होती है वो मैं इसलिए पवे से डाल रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड पवा इन पंजाबी, एंड मैं इसलिए पवे से डाल रही हूँ क्योंकि वो उसका जो रिम होता है जिस पतीली में मैं चाय बनाती हूँ वो बहुत गर्म होता है, तो उड़ती है चाय इधर उधर, तो मुझे था कि चलो मैं पवे से डाल देती हूँ चाय। तो ये चाय है फॉर मी एंड फॉर माई हस्बैंड, एंड क्योंकि मैंने ज़्यादा बना ली थी तो वो बच भी गई थी, तो वो मेरी बेटी ने ले ली। उसके बाद ये हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड काम था, हम बाहर निकले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शाम को जो है वो मेरा जो बेटा है छोटा सबसे, उसको होता है कि जी मुझे बाहर घुमाने ले जाए, मैं तो अब घर में नहीं बैठने वाला। तो उसको लेके मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को निकल जाऊँ बाहर, तो वो क्योंकि जब लाइट चली जाती है ना ही इज क्राइंग के टीवी लगा के दो, तो इतना ज़्यादा खैर मेरे घर टीवी नहीं लगता, लेकिन कभी जब उसके टीवी कार्टून का टाइम होता है ना, तो फिर वो बड़ा तंग करता है कि जी अभी वो बंद हो गया है तो अब मुझे लगा के दें। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो और नहीं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको बाहर ही ले जाएं, और थोड़ा बाहर जाएगा तो थोड़ा सा इसका मूड ठीक रहेगा। खैर जब मैं वापस आई घर, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जी मुझे आलू की भुजिया बना के दो, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आलू की भुजिया खाने का। तो फिर मैंने उनके लिए आलू की भुजिया बनाई, एंड इट्स वेरी सिंपल रेसिपी, मैं बहुत पहली दफ़ा भी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मैंने आलू वगैरह काट लिए थे, और प्याज जो है वो इसमें डलती है, और आलू डलते हैं, और ऑयल डलता है, और हरी मिर्चें डलती हैं, नॉर्मल नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा डलता है, तो ये मसाले इसमें डलते हैं। और ये जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ आलू की भुजिया, विच इज़ वन ऑफ हिज फेवरेट। सीरियसली जब से उन्होंने डाइटिंग स्टार्ट की, मीन्स डाइट ही इज़ नॉट ईटिंग दैट मच, तो ही सेज के मेरा जो है ना मैंने आलू की भुजिया नहीं खाई, सो प्लीज़ मुझे बना के दो। तो मुझे था कि चलो मैं आज इनको आलू की भुजिया बना देती हूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ हिज फेवरेट। अभी बस मैं इसको भूनूंगी, और इसमें एक लहसुन का जवा जाएगा बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ, और ये मैं भूनूंगी, और उसके बाद जो है मसाले वगैरह डाल लेने के बाद तो मैं इसको दम पे रखूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी कि आलू ख़त्म कच्चे ना रहे, और हाँ थोड़ा सा धनिया। अच्छा मुझे किसी ने कहा कि आपकी मेहंदी जो है वो हट नहीं रही है, हमारी तो ख़त्म भी हो गई, इट्स बीन 2 वीक्स ना। अब मैं खुद भी इस दफ़ा इतनी हैरान हूँ कि मेरी मेहंदी जो है वो हट ही नहीं रही है। मैं सीरियसली अब थोड़ी सी ना मुझे उकताहट हो, क्या कहते हैं उसको, मैं इरिटेट हो रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा कि ये अब हट नहीं रही है, इट्स बीन 2 वीक्स नाउ, और हल्की हल्की सी हट रही है। और मेरी बेटी की तीसरे दिन मेहंदी थी नहीं आता कि एक ही कोन यूज हुई है, एक ही चीज यूज हुई है, पता नहीं मेरे हाथों से जा ही नहीं रही। और किसी ने मुझे कहा कि आप काम नहीं करती होंगी इसलिए नहीं जा रही, भाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, मैं कुकिंग करती हूँ, मैं हाथ धोती हूँ, मेरी लाइक मैं इस तरह के बंदा हूँ जो मैं हाइजीन का बड़ा ख्याल रखती हूँ। आई डोंट नो क्यों मेरे हाथों से मेहंदी नहीं जा रही इस दफा, सीरियसली जैसे मेहंदी ने ना मेरे हाथों पर डेरा जमा लिया है, तो जा नहीं रही। तो खैर अभी ये तो थी एक फनी बात, लेकिन अब मैं इसको रख दूंगी दम पे और 10 से 15 मिनट बाद देखूंगी।
और अब जो है वो मैंने खाना लगाया और बच्चे वगैरह जो हैं वो स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो इस वक्त जो है मोस्टली ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो खाना नहीं खाते, वो स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे हैं और मेरा लैपटॉप आपके सामने है और इस पे मैं कर रही हूँ एडिटिंग। और एडिटिंग एज आई टोल्ड यू कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, तो वो साथ साथ मेरी जब काम चलता रहता है या मैं खाना खा रही होती हूँ कुछ करती हूँ तो मैं अपनी साथ साथ एडिटिंग ज़रूर करती हूँ। तो आलू की भुजिया मैं साथ खा रही हूँ और ये जो उसके साथ मुझे दही खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चले जी, ये यहाँ पर ही मैं अपना व्लॉग का आज एंड करती हूँ और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत 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 ख्याल रखें एंड दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।